अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, ये मिर्ची का पौधा है और ये खुश्क हो गया था एक बीमारी की वजह से। अब हमने इसकी बीमारी की वजूहात जानने के लिए इससे वो जो बीमारी पैदा करने वाला जरसूम है उसको जो है वो इससे अलहदा किया। आपको दिखाते हैं कि इस जो पौधे में ये बीमारी किस वजह से आई थी। तो ये है जी वो जरसूमा जो इस पौधे के बीमार होने की वजह बना था, और हमने इसको जो है प्योर कल्चर में इस पैट्री डिश में ले आए हैं। ये है वर्टिसिलियम, और ये वर्टिसिलियम एक बीमारी पैदा करने वाली फफूंदी है जो कि इस स्पेसिफिक जो पौधे में हमारे इलाके में जो बीमारी आ रही है, मिर्चों में मिर्चें खुश्क हो रही हैं, उसकी वजह बन रही है ये वर्टिसिलियम। और वर्टिसिलियम विल्ट और फोजेरियम विल्ट, पिथियम और फाइटोफथोरा, ये ऐसे पैथोजन है जो कि आम तौर पर इस तरह की जो वजूहात बनते हैं जिसमें पौधे खुश्क हो जाते हैं। अब हम इसके लिए जो रिकमेंडेशन देते हैं कि आप शुरू से ही जो है वो ट्राइकोशीट ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स का अपने फसल में इस्तेमाल करें, ताकि इस तरह के पैथोजन जो हैं वो आपकी ज़मीन में पैदा ही ना हों। ये जो ट्राइकोशीट कैप्सूल्स हैं उनमें मौजूद ट्राइकोडर्मा जो है वो इन जैसी फफूंदियों को ख़त्म कर देता है, जो या तो इनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है या फिर ऐसे केमिकल पैदा करता है जो इनको मार देते हैं। अब हम आपको अगले चंद दिनों में दिखाएंगे लेबॉर्ट्री में कि ट्राइकोशील्ड में मौजूद जो ट्राइकोडर्मा है वो किस तरह इस वर्टिसिलियम को कंट्रोल करता है, और आप इन्हीं प्लेट्स में देख पाएंगे लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट की मदद से कि ये जो वर्टिसिलियम है ये ट्राइकोडर्मा की मौजूदगी में किस तरह से ख़त्म होता है। तो चंद दिन इंतज़ार कीजिए और आपको जो है वो रिज़ल्ट्स आपकी आँखों के सामने हम शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं उनकी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि किस तरह से ट्राइकोशील्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा जो है उनको कंट्रोल करता है और उनको हमारे पौधों को जो है बीमारियों से बचाता है। आने वाले दिनों में हम आपको चंद और बीमारियों से जो है वो पैथोजन दिखाएंगे, उनके पैथोजन भी दिखाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे जो ट्राइकोशीट कैप्सूल्स में मौजूद ट्राइकोडर्मा है वो किस तरह से इनको कंट्रोल करता है। दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना तजर्बा, अपने जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहें। अगर आप इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कोई और तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं और वो आपकी फील्ड में सक्सेसफुल है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें और हम बेहतर से बेहतरीन पैदावार की तरफ जा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।